नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य देव आज से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैं मेष राशि से मिथुन राशि तक का हाल बता चुका था। इस वीडियो में मैं कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों का हाल बताऊँगा। तो शुरू करते हैं कि कर्क राशि वालों के ऊपर सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा। अनेक क्षेत्रों में सफलता कारी रहेंगे, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। रोजी रोजगार, व्यवसाय, नौकरी आदि में स्थिति बहुत ही मजबूत रहेगी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा व यश की प्राप्ति होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी गणों के व्यापार क्षेत्र का विस्तार होगा, मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। नए लोगों से जुड़ाव होगा, लेकिन पार्टनरशिप के मामले में थोड़ी सतर्कता की जरूरत होगी। आर्थिक लेन देन में व निवेश में भी सोच विचार कर निर्णय करें। घर परिवार में वैसे तो स्थिति ठीक ठाक रहेगी, परंतु अहंकार से बचें। वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन में भी टकराव, कलह व तनाव की स्थिति दिख रही है। संयमित व्यवहार करें, मधुरता बनाए रखें, मतभेदों से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता रह सकती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। आर्थिक दिशा में चल रहे प्रयास सफल होंगे, आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। सिंह राशि। सूर्य देव सिंह राशि के ही स्वामी हैं और गोचर वश मकर राशि अर्थात अपनी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। अतः सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए तो स्थिति अनुकूल नहीं है, बाकी सभी क्षेत्रों में इनकी स्थिति अनुकूल रहेगी। हाँ, थोड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, आपकी भावना भी थोड़ी प्रतिस्पर्धात्मक रहेगी। इस कारण वाद विवाद व तनाव की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु या विरोधी पक्ष दबा हुआ रहेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आर्थिक धन लाभ के भी योग हैं। जो लोग सरकारी सेवा में हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा फलदायी रहेगा। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होगी। प्रमोशन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इंक्रीमेंट संभव है। नौकरी पेशा वालों को स्थान परिवर्तन का भी योग है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं उन विद्यार्थियों की सफलता प्राप्ति के अवसर बढ़ जाएंगे। व्यापारी वर्ग को थोड़े प्रयास और परिश्रम अधिक करने पड़ेंगे, लेकिन सफलता सुनिश्चित है। सिंह राशि के लिए गोचर बहुत अनुकूल रहेगा, परंतु अपने क्रोध व आवेश को नियंत्रित रखे रहें। दाम्पत्य जीवन में कटुता व तनाव के योग हैं, मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर प्रतिकूलता ज़्यादा देगा। विद्यार्थियों के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जा करके सफलता की आशा की जा सकती है। अध्ययन में एकाग्रता का भी अभाव रहेगा, उनका मन पढ़ने लिखने में थोड़ा कम लगेगा। संतान पक्ष के लिए भी ये गोचर थोड़ा प्रतिकूल ही रहेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं उनकी सफलता की उम्मीद बढ़ जाएगी। ये वक्त उनके लिए बेहतर जॉब के अवसर उपलब्ध करा सकता है। कन्या राशि वालों का कार्य क्षेत्र सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। नौकरी पेशा वालों को परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए यह गोचर अनुकूल है, विशेष तौर पर जिनका व्यापार विदेशों से जुड़ा हुआ है। विदेश जाने के लिए भी यह गोचर अच्छा है और विदेश में रहने वाले किसी मित्र से या रिश्तेदार से आपका फायदा भी हो सकता है। आर्थिक दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं आप, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी वाले लोगों को अपने उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। विवाद से बचें और पेट के रोगों के प्रति भी आप सतर्क रहें थोड़ा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। यात्रा करते वक्त भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कहासुनी के योग हैं, संयमित रहें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं अन्य राशियों का भी फल बताऊंगा। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।